एक जितना कमजोर होगा। दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। क्या साजिद की बेवकूफी पर फैंस हुए नाराज? फिल्म किक 2 में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं रणदीप हुड्डा के किरदार से? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज भी टैलेंटेड और अनटैलेंटेड एक्टर्स की कमी नहीं है। सच कहा जाता है कि बॉलीवुड टैलेंट पहचानने में और उसको बढ़ावा देने में कंजूसी करता है, और वो भी जानबूझकर। ये आप यूं कह सकते हैं कि इस तरह के टैलेंटेड और सेल्फ मेड एक्टर्स के लिए बॉलीवुड के कुछ मशहूर लोग किसी डेविल से कम नहीं होते। वैसे डेविल से आपको कुछ याद आया? वही देवी उर्फ डेविल जो हमें नजर आए फिल्म किक में, जो 2014 में रिलीज हुई, जिसका चेहरा थे सलमान खान। वैसे हमारे इंट्रोडक्शन से आपको थोड़ी हैरानी हुई होगी ना कि हमने सलमान खान पर बात ना करते हुए बॉलीवुड डेविल के ऊपर बात क्यों की? इसका कारण है खुद साजिद नाडियाडवाला और सलमान खान। अब देखिए ना, साजिद जो इस फिल्म में प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने फिल्म की कहानी पर भी काम किया, उनका ये डायरेक्शनल डेब्यू था। उन्हें फिल्म बनाते वक्त घबराहट तो थी ही, पर सिर्फ सलमान को सुपर हीरो दिखाने की जिद भी, पर उस चेहरे पे बाकी किरदारों के साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई। सलमान के साथ ही किक में दिखाई दिए रणदीप हुड्डा, जिन्होंने हिमांशु त्यागी नाम के पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया। वो बॉलीवुड के वन ऑफ द फिटेस्ट एक्टर हैं। अगर सलमान और रणदीप हुड्डा की एक्टिंग और स्ट्रगल पर गौर करें तो रणदीप ही जीत जाएंगे, और इसलिए रणदीप के फैंस को साजिद और सलमान से काफी शिकायत है। रणदीप हिमांशु त्यागी नाम के एक स्ट्रिक और ईमानदार पुलिस ऑफिसर बने थे, पर पूरी फिल्म में हमने देखा होगा कि रणदीप देव उर्फ डेविल को यानी सलमान को पकड़ नहीं पाए। बार बार उनकी कोशिश नाकाम होती थी और उनका मजाक बनता था। एक पुलिस ऑफिसर के किरदार को एक लूजर की तरह दिखाया, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, और ये बेवकूफी साजिद ने की सलमान पर फोकस करते हुए की। इस फिल्म में एक सीन था जहां पर सलमान रणदीप को डेविल की हिंट देते हैं, जिसमें लूजर नाम का एक कोड छुपा होता है जो रणदीप को क्रैक करना था। रणदीप तो कोशिश कर रहे थे, पर असल में बात ये थी कि डेविल उन्हें लूजर कह रहा था, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार को यहां पर पूरी तरह से बदनाम किया गया था। ये बात सच है कि सलमान भी इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर ही बने थे, पर वो तो हमें फिल्म में आखिर में पता चला। पर पूरी फिल्म में सलमान के दो किरदार तो दिखाए गए, उन्हीं की वाहवाही की गई, और आखिर में भी उनका पुलिस का सस्पेंस सामने आने के बाद भी उनके ही किरदार को सराहा गया। मतलब दोनों भी पुलिस ऑफिसर, पर एक को लूजर दिखाना और दूसरे को सुपर हीरो, ये तो नाइंसाफी थी, और ये काम साजिद ने ही किया है, क्योंकि सलमान के साथ काम करने के पर्पस में वो बाकी लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये बात सच है कि सलमान पुलिस ऑफिसर होने की वजह से उन्हें दूसरे पुलिस के साथ माइंड गेम खेलने में कोई परेशानी नहीं हुई, पर रणदीप हुड्डा जैसे पुलिस ऑफिसर किसी चोर को या फ्रॉड को पकड़ नहीं सकते, ऐसी इमेज क्रिएट की गई। तो क्या ये सही था? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए फैंस किक 2 में अगर रणदीप हुड्डा काम करते हैं तो उनसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे मतलब साजिद से, क्योंकि VFX के जरिए सलमान को सुपर हीरो दिखाया गया, पर एक वर्दी पहनने वाले असली सुपर हीरो यानी पुलिस को इस तरह इग्नोर किया गया। ये फिर से एक बार देखने में ऑडियंस को कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अगर अंदाजा लगाया जाए तो रणदीप सीक्वल में सलमान से बदला लेते हुए नजर आ सकते हैं, और धीरे धीरे फिल्म के विलन भी बन सकते हैं, या फिर कॉमन स्टोरीज की तरह सलमान से दोस्ती करके उन्हें चेकमेट करने का प्लान भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें रणदीप अच्छाई का नकाब पहनकर धीरे धीरे खुद डेविल बन सकते हैं जो दूसरे डेविल को टक्कर देना चाहता है। तो काफी अच्छा स्कोप है। अब देखते हैं कि साजिद ने किस तरह कहानी लिखी होगी, और हम आशा करते हैं कि इस बार रणदीप के किरदार के साथ जस्टिस होगा। तो चलिए, अभी हमें जाना होगा,
पर आप इस वीडियो को लेकर अपनी राय जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।